अच्छा लगता है जिस आदमी ने हमें जीवन दिया, हम उसके काम आ रहे हैं। ये तो हमारा कर्तव्य है भाई, हम भी तो उसे छाया, हवा और बारिश देते हैं। हाँ भाई, हमारा और इंसानों का अस्तित्व एक दूसरे से ही तो है। कैसे हैं चाचा? हम तो ठीक हैं बेटा गोलू, तुम बताओ क्या चल रहा है? वही चाचा, विकास चल रहा है। जंगल के पेड़ काटकर खेती लायक जमीन तैयार की जा रही है। इंसान ऐसा क्यों कर रहा है? भाई इंसान हम पेड़ पौधों जीव जंतुओं में सबसे ज्यादा बुद्धिमान है, जरूर कुछ अच्छा सोचा होगा उसने। पता नहीं चाचा। बहुत भयंकर गर्मी है इस बार। हाँ भाई, मुझे तो जमीन के अंदर से पानी खींचने में भी परेशानी हो रही है। लगता है जैसे पानी खत्म हो गया हो। गोलू का बेटा बता रहा था कि इंसानों ने अंधाधुंध पेड़ काट डाले हैं, बारिश हो नहीं रही है और जमीन के अंदर का पानी भी नलकूप और दुरुपयोग के चलते खत्म करता जा रहा है ये इंसान। जाने ऐसे विनाश पर क्यों तुला है इंसान, क्या सब खत्म करके ही मानेगा? बेटा मोलू। हाँ दादा। ये लोग क्या कर रहे हैं? सुना है दादा, सड़क चौड़ी की जाएगी, इंसानों को और उनकी गाड़ियों को चलने में परेशानी होती है, सो विकास किया जा रहा है। क्रॉसिंग के पार के सारे पेड़ काट डाले गए हैं। तो क्या ये लोग हमें भी अपनी लालच और नासमझी की भेंट चढ़ा देंगे? कोई इन्हें बताओ, हम नहीं रहे तो ना आसमान में पानी रहेगा, न जमीन के अंदर, न साफ हवा रहेगी, न सांस, न इंसान रह जाएगा, न दुनिया। न सर पे साया होगा कि न सांसे, न हवा होगी, न बारिश न ही पानी, कि न नस्ले फिर जवां होगी। अगर हम नहीं होंगे तो सोचो तुम कहां होगे, तुम कहां होगे। बात बस इतना समझने की है कि अगर पेड़ होंगे तभी हम होंगे, वरना हम भी नहीं होंगे। मसला पेड़ों का ही नहीं, हमारे भविष्य का भी है। अगर चाहते हो कायम रहे ये खूबसूरत दुनिया, तो उजड़ने से बचा लो इन जिंदा दरख्तों को, क्योंकि इनकी आखिरी सांसों से जुड़ी हैं दुनिया की आखिरी सांसें। पर्यावरण को न बचाया गया तो वह दिन जल्द ही आएगा जब धरती पर हर इंसान बस पानी पानी चिल्लाएगा। भूगर्भ जल विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जनहित में जारी।